महाराष्ट्र में जो चल रहा है बहुत से एलिगेशन है। खड़गे जी कह रहे हैं कि जब 8:30 बजे तक का वक्त दिया गया था फिर जल्दबाजी क्या थी, 5 बजे क्यों राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया? देखिए, राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया पर जो विपक्ष की प्रतिक्रिया है मैंने पूरी सुनी है। ये एक कोरी राजनीति है, इसके अलावे कुछ नहीं। कहीं पर भी मेरी दृष्टि से राज्यपाल महोदय ने कहीं पर भी संविधान को तोड़ने मरोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया है। जहाँ तक ये पर्टिकुलर सवाल जो आपका है कि 8:30 तक का शाम का समय दिया था और बीच में राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कैसे की, मैं आपको बता दूं कि शायद वो अपने साथी को पूछते नहीं हैं। लगभग 11:30 से 12 के बीच में एनसीपी ने पत्र लिखकर अपनी असमर्थता जता दी थी कि आज शाम 8:30 बजे तक हम सरकार नहीं बना सकते। उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय को 8:30 बजे तक रुकने का कोई औचित्य ही नहीं। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? मतलब अगर जैसे अरुणाचल में या गोवा में बहुत वक्त दिया जाता था तो फिर ऐसे क्यों था कि इतनी जल्दी क्या थी? कहीं पर भी इससे ज्यादा समय नहीं दिया, यहाँ जल्दी नहीं की गई, 18 दिन का समय दिया है न्योता देने के बाद। पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, पूरी प्रक्रिया मैं बताता हूँ कि असेंबली की नोटिफिकेशन के बाद 18 दिन तक राज्यपाल ने राह देखी और 18 दिन तक कोई भी पार्टी अथवा पार्टियां अगर उनके पास बहुमत है तो राज्यपाल को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। न्योता देने का तो तब समय आया जब विधानसभा की अवधि समाप्त हो गई। 9 तारीख को विधानसभा की अवधि समाप्त हो गई, विधानसभा के 5 साल समाप्त हो गए तो राज्यपाल को एक्शन लेना होता है। तो उन्होंने हर एक पार्टी को लिख कर रिकॉर्ड के लिए पूछा, अन्यथा जब विधानसभा नोटिफाइड हो जाती है और उसकी अधिसूचना बाहर आने के बाद तुरंत ही कोई भी पार्टी अथवा पार्टियों का समूह बहुमत बनाकर राज्यपाल महोदय के पास जा सकता था। ना शिवसेना गई है, ना एनसीपी गई, ना कांग्रेस गई, ना हम बना पाए हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी बनाई है, तो राज्यपाल क्या करते हैं?